नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी, और अब एक नजर फटाफट खबरों पर। पीएम मोदी आज करेंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के एक हिस्से का उद्घाटन। 2 घंटे में पूरा होगा दिल्ली से जयपुर का सफर। 13 फरवरी को अपनी कर्नाटक यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री बेंगलुरु में येलहंका के वायुसेना स्टेशन में एयरो इंडिया 2023 के 14वें संस्करण का करेंगे उद्घाटन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से यूपी के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में होंगी शामिल। काशी विश्वनाथ मंदिर में करेंगी दर्शन। दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती आज दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हुआ कार्यक्रम। देशव्यापी समारोह का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 13 राज्यों के राज्यपाल किए नियुक्त। महाराष्ट्र बिहार समेत 13 राज्यों के बदले गए राज्यपाल। बिहार के नए गवर्नर बने हिमाचल के राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर। फागू चौहान को भेजा गया मेघालय। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने दिया इस्तीफा। राष्ट्रपति ने इस्तीफा किया मंजूर। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने एमसीडी में मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव के लिए 16 फरवरी को कराने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव का फूकेंगे बिगुल। कठुआ कांथी में करेंगे जनसभा। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ भी करेंगे बैठक। आज त्रिपुरा में चुनावी दंगल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की होगी एंट्री। कई रैलियों को करेंगे संबोधित। त्रिपुरा में 16 फरवरी को डाले जाएंगे वोट। लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के 3रे दिन केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में कई क्षेत्रों में रिकॉर्ड तोड़ आ रहा निवेश। आगरा किले में G20 के प्रतिनिधि मंडल के लिए लाइट एंड साउंड शो का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी रही मौजूद। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ पार्टी के अंदर ही उठी आवाज। सपा विधायक राकेश प्रताप बोले, श्रीराम पर टिप्पणी करने वाला सनातनी और समाजवादी नहीं हो सकता। अब्बास अंसारी की पत्नी को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। अवैध तरीके से पति से मिलने पहुंची थी जेल। झारखंड के देवघर में बदमाशों ने की अंधाधुंध फायरिंग। मछली कारोबारी की सुरक्षा में लगी 2 गार्ड की मौत। नोएडा के सेक्टर 8 की झुग्गी में फटा घरेलू गैस सिलेंडर। नवजात समेत 2 बच्चों की मौत। तुर्की और सीरिया में भूकंप से मरने वालों की तादाद हुई 28,000 पार। राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी। भारतीय वायुसेना का एक और C-17 विमान कल रात राहत सामग्री और आपातकालीन उपकरण लेकर सीरिया और तुर्की के लिए हुआ रवाना। उत्तराखंड में पेपर लीक के बाद पटवारी भर्ती पुनर्परीक्षा आज। पुलिस और खुफिया तंत्र हाई अलर्ट पर। उत्तर प्रदेश के रॉबर्ट्सगंज पुलिस ने 2 किलो 18 ग्राम ड्रग्स किया बरामद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। बरामद ड्रग्स की कीमत लगभग 2 करोड़ 25 लाख रुपए। 10 लोगों को किया गया गिरफ्तार। मेघालय पुलिस ने 2 ड्रग तस्करों को किया गिरफ्तार। 66.40 ग्राम हेरोइन, 2 फोन, 14 सिरिंज समेत 5 पहचान पत्र किए गए बरामद। राखी सावंत के पति आदिल खान दुरानी के खिलाफ ईरान की छात्रा ने मैसूर में दर्ज कराई एफआईआर। जोमैटो ने देश के 225 शहरों से समेटा अपना कारोबार। कंपनी का घाटा 5 गुना बढ़ा। रिपोर्ट में हुआ खुलासा। पाकिस्तान के ननकाना साहिब में भीड़ ने किया पुलिस स्टेशन पर हमला। ईश निंदा के आरोपी की पीट पीट कर की गई हत्या। कनाडा के आसमान में दिखा फ्लाइंग ऑब्जेक्ट।
अमेरिका के फाइटर जेट ने मार गिराया, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट मार गिराने के बाद मलबे की खोज के लिए अभियान शुरू।